हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को स्पेलिंग कैसे लर्न कराएं। हम पेरेंट्स के सामने मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जो बड़ी स्पेलिंग्स आ जाती हैं वो लर्न कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो उन्हें गलत लिखते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि बच्चों को स्पेलिंग्स कैसे हम आसानी से लर्न करा सकते हैं जिससे वो मिस्टेक न करें। इसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 प्रोनंशिएट, स्टेप 2 सिलेबल इन 2 और 3 पार्ट्स, स्टेप 3 राइटिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, बच्चों को जो भी स्पेलिंग वो लर्न कर रहे हैं या वो रीड कर रहे हैं उस स्पेलिंग को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें उस स्पेलिंग को बोलना अच्छे से आना चाहिए, उसका प्रोनंसिएट करना आना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर गलत लिखेंगे, गलत बोलेंगे और गलत ही उसे फिर याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें बोलना सिखाना है। तो बोलने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी स्पेलिंग ले ली, मान लीजिए हमने ले ली है कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग ले ली। अब बच्चों को इसे अगर रीडिंग ही करना नहीं आ रहा तो वो इसे कैसे लर्न करेंगे और कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें रीड करना सिखाएंगे। रीड कराने के लिए आप इसे रीड भी आप कैसे कराइए, उसे बच्चों को सिखाइए कार, जो बेसिक स्पेलिंग है बच्चे पढ़ते ही हैं, कार बो हाई ड्रेट, ऐसे करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके लर्न कराइए। बिग स्पेलिंग है तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे वो, कार बो हाई ड्रेट। ओके, ये बच्चों को रीड करना आ गया। और रीड करने के लिए आप फोनिक साउंड की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखाए हुए हैं या फिर हम जो बच्चों को स्पेलिंग सिखाते हैं, जैसे क से कौन सी बनता है, ख से कौन सा लेटर बनता है इंग्लिश में, कौन सा अल्फाबेट बनता है, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर फोनिक साउंड है तो उनको पता होता है कि सी क से बनता है और स से बनता है। ओके, र ये जो आर दिया हुआ है र से बनता है, तो बच्चे इससे भी रीड करने की कोशिश करेंगे, वो भूलेंगे भी नहीं। तो फोनिक साउंड अगर आप लर्न कराएंगे तो वो और भी अच्छा है। अब जब बच्चे को रीड करना आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप पे बच्चों को लर्न कराना है, तो क्या करेंगे, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया, इसके स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग बड़ी है तो ज़्यादा पार्ट्स कर सकते हैं, छोटी है तो 2 या 3 पार्ट्स कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार बो हाय ड्रेट, 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो बच्चों को लर्न कराइए सी ए आर कार, बी ओ बो, एच वाई हाय, डी आर ए टी ई ड्रेट। एक रिदम बना के भी लर्न करा सकते हैं, सी ए आर कार, बी ओ बो, एच वाई हाय, डी आर ए टी ई ड्रेट, बार बार बोलेंगे जब वो ऐसे करके कार बो हाय ड्रेट, तो उनको ये स्पेलिंग जरूर लर्न होगी। और उसके बाद उनको बोलिए, 3 स्टेप में आ जाइए आप, उसके बाद आप उनको बोलिए कि अब इस स्पेलिंग को बोल बोल के लिखो, बार बार जैसे वो बोल रहे हैं सेम उसी तरीके से लिखें। जैसे कि वो बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, सी ए आर कार, बी ओ बो, एच वाई हाय, डी आर ए टी ई ड्रेट, तो कार्बो हाइड्रेट। ये कुछ ऐसी स्पेलिंग है जो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, तो उनको एक बार जरूर सिखाइए कि बोल बोल के लिखें स्पेलिंग्स को, तो वो इससे क्या होगा, भूलेंगे नहीं। अब जैसे हम एक और स्पेलिंग लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया बिटवीन, बिटवीन स्पेलिंग बच्चों को लर्न कराना है। छोटे बच्चे हैं तो वो उन्हें स्पेलिंग से ऐसी याद करनी होती, तो इसे भी आप पहले बोलना सिखाइए, बिट वीन, बिट वीन, बिटवीन जब उनको बोलना आया तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, वी ई टी बिट, डब्ल्यू डबल ई एन वीन, वी ई टी बिट, डब्ल्यू डबल ई एन वीन। तो इस तरह से बच्चों को फिर ये बोलना आएगा, उसके बाद उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसे लिखेंगे बोल के, बी ई टी बिट, डब्ल्यू डबल ई एन विन, बिट विन। तो इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं, चाहे वो स्पेलिंग बड़ी हो या फिर छोटी हो। आई होप आपको मेरा ये जो मैंने आपको मेथड बताया बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराने का, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।